नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारी सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की 24th क्लास है, इसके अंदर हम जानेंगे पोषक तत्वों के बारे में और पोषक तत्व हमें क्यों आवश्यक है, क्यों हमें पोषक तत्व चाहिए। साथ ही साथ में इस सीरीज में हम विशेषतः डीपली चर्चा करेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम इसे शरीर के अंदर लेना चाहिए, क्या करता है हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के कितने रूप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम उसको जानेंगे। साथ ही साथ में आप लोग अगर पोषण का वीडियो आप लोगों ने इसके पहले मैं आप लोगों को 23rd वीडियो यानी पोषण यानी न्यूट्रिशंस के ऊपर दे चुका हूँ, और पोषण क्या होता है, किस तरीके से क्यों हमको पोषण जरूरी है, इस वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई है। अभी तक जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उस 23rd वाले यानी न्यूट्रिशंस वाले टॉपिक को आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि पोषक तत्व होते क्या हैं। यानी पोषक तत्व का मतलब आप लोग को बस इस तरीके से समझिए कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे आवश्यक रसायन चाहिए, हमारे शरीर को ऐसे आवश्यक रसायन चाहिए जिनको हमारा शरीर यूज करेगा, उनका उपयोग करेगा और अपनी वृद्धि कर पाएगा, और वृद्धि के साथ 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 अपनी ऊर्जा बना पाएगा ताकि दैनिक दिनचर्या कर सके, और साथ ही साथ में अपनी ही जैसे संतानों की उत्पत्ति कर पाएगा। इसका मतलब हम रिप्रोडक्शन कर पाएगा, जनन कर पाएगा। तो इस चीज में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व वे पदार्थ जो जीवों में विविध जैविक कार्यों को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब जैविक कार्य का मतलब क्या है, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, ठीक है, सारे जितने भी जैविक कार्य हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितने भी जैविक कार्य करते हैं, और साथ ही साथ में सोते समय भी हमारे शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं होती है वो सभी इन पोषक तत्व या हम बोल सकते हैं इन रसायनों की मदद से कर पाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पोषक तत्व या फिर हम बोल सकते हैं कि भोजन को हम मुख्यतः दो तरीकों से बांट सकते हैं। यानी भोजन मतलब फूड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि दो तरीके से कौन कौन से भोजन हो जाएंगे। एक भोजन हो जाएगा हमारे पास बड़ा भोजन, इसे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं बड़ा भोजन, या हम इसे बोल सकते हैं और शुद्ध हिंदी में बोले तो वृहद भोजन हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बड़ा भोजन इसको इंग्लिश में कहा जाएगा मैक्रो फूड, ठीक है, मैक्रो फूड। और दूसरा तरीके का भोजन जो होता है, दूसरे तरीके का भोजन जिसे हम वो कहेंगे छोटा भोजन, ठीक है, कहेंगे हम कौन सा, छोटा भोजन। अब छोटा भोजन या हम इसे बोल सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा माइक्रो फूड। अब देखिए, सिंपली भाषा में अगर हम समझे, बड़ा भोजन यानी ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन या ऐसे पोषक तत्व जो हमें शरीर में किसी मात्रा में, बड़ी अधिक मात्रा में चाहिए दोस्तों। तो जो अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं उसे हम वृहद भोजन, बड़ा भोजन या मैक्रोफूड की श्रेणी में रखते हैं। जबकि छोटा भोजन की अगर हम बात करें तो छोटा भोजन क्या होगा, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट या सूक्ष्म मात्रा ही उसकी आवश्यक होती है। तो बड़े सूक्ष्म मात्रा में जो हमें भोजन चाहिए, जो हमारे शरीर की दैनिक दिनचर्याओं को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म भोजन कहेंगे, ठीक है। अब बड़ा भोजन मुख्यतः हम तीन तरीके के देखेंगे। सबसे पहला भोजन होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरीके से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा भोजन होगा हमारा प्रोटीन, और तीसरा भोजन होगा हमारे पास वसा, ठीक है, वसा, वसा ये वह है ना, ठीक है, वसा, या इसे इंग्लिश में फैट कहेंगे, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे लिपिड भी कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है कि ये सारे के सारे, ये जो भोजन के प्रक्रियाएं होती है ना, ये जितनी भी हम भोजन देख रहे हैं, इन सभी को हम बोलते हैं कि ये है एकदम जटिल अणु। कैसे अणु है, जटिल अणु। इसका मतलब क्या होता है कि नेचर से हम जब कोई भी भोजन खाते हैं तो उस भोजन में हम मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, जो कि बड़ा ही जटिल भोजन होता है। अब हमारी जो कोशिकाओं को खाना चाहिए होता है वो जटिल भोजन नहीं चाहिए होता है, जटिल भोजन की जगह हमें चाहिए होता है सरल भोजन, या हम बोल सकते हैं सरल अणु चाहिए।
तो हमारा पाचन तंत्र यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, तो हमारा पाचन तंत्र बस यही काम करता रहता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी पाचन तंत्र मनुष्य के शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं की मदद से या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, और फिर जो कोशिकाओं को चाहिए वो यही सरल अणु चाहिए। अब कैसे, जैसे समझ सकते हैं हम कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः सरल अणु में टूटेगा, और वो सरल अणु का नाम क्या है, ग्लूकोज। तो एक कोशिका है, अगर इस कोशिका को सीधे में अगर कार्बोहाइड्रेट दे दूंगा तो ये कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं कर पाएगी कोशिका, और सेल मर जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हम शरीर के अंदर यानी नेचर से हम कार्बोहाइड्रेट तो लेते हैं, लेकिन कोशिका को कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर यानी उसका पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के फलस्वरूप हमारा जो सबसे सरल अणु बनता है वो ग्लूकोज बनता है। फिर ये ग्लूकोज रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचाया जाता है, इन कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। अब इसकी मदद से कोशिकाएं करती क्या हैं, तो इस ग्लूकोज का दहन होता है, और ग्लूकोज के दहन के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसी ऊर्जा की मदद से क्या कर सकते हैं, हम हमारे दैनिक दिनचर्याओं को कर सकते हैं, जैसे चलना, बोलना, देखना, पढ़ना, ये सारे काम आप इसी ग्लूकोज से प्राप्त ऊर्जा की वजह से करते हो। दूसरा, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन भी एक जटिल अणु है, और प्रोटीन जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र जो होता है वो प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में यानी अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है, अब ये अमीनो अम्ल से क्या काम होता है, तो इस अमीनो अम्ल से हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो जो मांसपेशियां हमारे शरीर की बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे शरीर की जो बनावट होती है, वो बनावट इसी अमीनो अम्ल की वजह से होती है। और अमीनो अम्ल की प्राप्ति के लिए आपको नेचर से क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा। क्लियर, इतनी बातें सभी को समझ में आई। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वसा की, तो वसा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, कोशिका निर्माण हो पाता है, यानी नई नई प्रकार की जो कोशिकाएं हम बनती है, जैसे हमारे शरीर की अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करने के लिए जो नई सेल फॉर्मेशन होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए, कोशिका विभाजन होना चाहिए, उस कोशिका विभाजन के लिए कौन, वसा बहुत जरूरी है। और वसा भी एक जटिल अणु है, और जटिल अणु से कौन सा सरल अणु टूटेगा, और वसा से बनता है वसीय अम्ल, या इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो फैटी एसिड्स बनता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो बेसिकली हम लोगों को पोषक तत्वों में इन्हीं तीन फूड्स के बारे में स्पेशली पढ़ना है, किसके किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है एक जटिल अणु है जिसे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, खाते हैं मुख के द्वारा, और पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप वो सरल अणु बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को प्राप्त करके कोशिकाएं उससे क्या निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। जबकि अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन हम नेचर से लेते हैं जटिल अणु के रूप में, और सरल अणु उससे अमीनो एसिड्स बनता है, और हमारी मांसपेशी, मसल्स फॉर्मेशन या शरीर की संरचना जो बनती है वो इन्हीं अमीनो एसिड्स की वजह से बनती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जबकि छोटे भोजन की बात करते हैं, तो छोटे भोजन को आप इस तरीके से समझिए कि सब ये शुरुआत से ही सरल होते हैं, ये शुरुआत से ही सरल अणु होते हैं, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हम सीधे शरीर के अंदर लेते हैं, और सीधे ही शरीर इन्हें उपयोग कर लेता है, यानी इसे कोई स्पेशल इसके डाइजेशन, स्पेशल इसके पाचन की जरूरत नहीं होती है। और इसमें मुख्यतः आ जाएगा हमारे पास कौन सा, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा विटामिन। ठीक है, विटामिन के बाद जो खनिज जिसे मिनरल्स भी कहा जाता है, साथ ही साथ में पानी, ठीक है, और फाइबर जैसी चीज़ें भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या है, सरल अणु के रूप में, यानी ये पहले ही बड़े सरल होते हैं, और इन्हें हम प्रकृति से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए, तो अब हम एक एक को काफ़ी अच्छी तरीके से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ इस कार्बोहाइड्रेट को जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और हमारे एग्जाम्स में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं या बन सकते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये स्लाइड पे ये जितना भी लिखा हुआ है इसे रफ करना है। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वृहद अणु यानी मैक्रोफूड, जिसे हमने आम भाषा में बोल सकते हैं कि बड़ा भोजन चाहिए, जो लार्ज अमाउंट में चाहिए हमारे शरीर के अंदर, यानी वे पदार्थ जो मनुष्य को अपनी शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। मैंने तीनों के बारे में बताया, ये तीनों के तीनों ही किस तरीके के अणु हैं, तो ये तीनों के तीनों ही जटिल अणु हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, जिन्हें तोड़ना पड़ता है शरीर में। और ये तोड़ने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो ये तो होती है हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब बात कर लेते हैं सूक्ष्म अणु यानी मैक्रोन्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस यानी हम बोल सकते हैं इसको सूक्ष्म अणु, यानी वे पदार्थ जो मनुष्य को अपने शरीर में सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, जैसे विटामिन, खनिज। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले ये देखिए पोषक तत्वों का थोड़ा सा न्यूट्रिशंस आप लोगों को टाइप मिल जाएगा। दो तरीके के होते हैं, वृहद अणु, सूक्ष्म अणु। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, विटामिन, खनिज, और यहीं पर आप फाइबर्स भी जोड़ सकते हो और पानी भी जोड़ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हमें कौन-कौन से चीजें दिखेगी, कार्बन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा और साथ ही साथ में ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब जिनका रेशो या जिनका अनुपात कितना होता है, तो कार्बन 1:1 में होता है, हाइड्रोजन 2:1 में होता है और ऑक्सीजन 1:1 में होता है। यानी जहां पर भी जिस भी भोजन में हमको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशो दिखेगा, उन सारे भोजन को हम क्या कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होता है, तो वो 1:2:1 होता है। ठीक है, अब इन पदार्थों को कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः कौन से केमिकल ग्रुप होते हैं। तो वो होते हैं एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO, और दूसरा होता है कीटोन ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं या इनमें उपस्थित होते हैं। अब आजकल कार्बोहाइड्रेट को एक और वर्ड से नाम जाना जाता है, सेकेराइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइन भी कहा जाता है। सेकेराइन का अर्थ होता है शर्करा या शुगर। तो शुगर की वजह से इसको आजकल हम आधुनिक पद्धति में कार्बोहाइड्रेट को शुगर या शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में करीब 500 ग्राम यानी आधा किलो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये बात ये आप लोगों को जानना जरूरी है, और साथ ही साथ में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस रेलवे SSC में काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है तो उससे कोशिकाएं कितनी ऊर्जा बना सकती हैं। तो वो बनाती है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी को डेवलप करती है, बनाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से लर्न करना है, याद करके रखना है। अब कार्बोहाइड्रेट बात कर लेते हैं, मिलता कहाँ से है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, जितना भी आपने अनाज देखा है, जितना भी हम अनाज खाते हैं, तो वो अनाज कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम मतलब सारे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब इस कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए हमने देखा है कि हम सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक हमको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही बड़े आसानी से हमारा शरीर एनर्जी बनाता है और 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी बनाता है। अब इसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे ये ब्रेड की अगर आप बात कर लेते हैं, तो ब्रेड जो होता है ये भी है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत होता है, जो कि मुख्यतः अनाज या आटे, गेहूं के आटे से बनता है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये कॉर्नफ्लावर्स आप देख रहे हो, जो इसका मतलब क्या है कि ये मक्के से बनता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो मुख्यतः अनाज से प्राप्त होती है। चावल के अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक
ठीक है, ये अपन शाकाहारी की बात कर रहे हैं। जबकि मांस की बात कर लेते हैं तो मांस और अंडे में भी कार्बोहाइड्रेट अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक गुणों और संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब आगे हम इनको सभी को एक एक करके जानेंगे। देखिए मोनोसेकेराइड का मतलब समझिए, मोनो का मतलब है एक, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट के या शर्करा के, हम विशेषकर कार्बोहाइड्रेट ना बोल के अब यहां पर एक शब्द यूज करेंगे, शर्करा, ठीक है, शर्करा। तो अब शर्करा इसका मतलब क्या है कि मोनोसेकेराइड में शर्करा के कितने, एक ही अणु होता है तो उसको हम मोनोसेकेराइड बोलेंगे। ऑलिगोसेकेराइड में कम से कम क्या होंगे कि 2 से 9 शर्करा के मॉलिक्यूल संघनित होकर जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसको ऑलिगोसेकेराइड बोलेंगे। जबकि अगर पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड में क्या होंगे, 9 से ज्यादा शर्करा के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बस इसको इस तरह से आप याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड जिसमें शर्करा का एक ही मॉलिक्यूल होगा, ऑलिगोसेकेराइड जिसमें 2 से 9 के बीच में जो होंगे उन्हें हम ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे, और पॉलीसेकेराइड जिसमें 9 से ज्यादा होंगे। क्लियर, 9 से ज्यादा शर्करा के मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे फर्स्ट टाइप मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को समझते हैं, तो ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। सरलतम मतलब सबसे सरल अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए इनको इनका पुनः छोटी इकाइयों में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे ज्यादा सरल है तो मतलब इनको और ज्यादा तोड़ पाना मुश्किल है, ठीक है। ये सबसे सरल अणु कहलाते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ये जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे होते हैं। ये बड़े आसानी से जितने भी सरल कॉम्प्लेक्स सरल या सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से वाटर डिजोल्व होते हैं, यानी इनको अगर हम पानी में घोलें तो पानी में ये आसानी से क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, घुल जाते हैं, और स्वाद में मीठे होते हैं, अतः इनको शर्करा कहा जाता है। मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण देखते हैं अब हम लोग। तो मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण हैं जैसे राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को खास खास बता रहा हूँ। अब देखिए राइबोज, ये से भी आप राइबोज शुगर बोल सकते हो, ग्लूकोज शुगर बोल सकते हो, फ्रुक्टोज शुगर बोल सकते हो, लैक्टोज शुगर बोल सकते हो। शुगर इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये सबसे सरल हैं और ये सारे के सारे पानी में भी घुल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और इन्हें और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा छोटे रूप में इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। चलिए अब राइबोज शुगर होती क्या है, कहाँ पाई जाती है उसको देखते हैं। तो राइबोज शुगर में अब देखिए बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है कि राइबोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं, यानी ये 5 कार्बन वाली होती हैं। और ये राइबोज शुगर किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए और आरएनए। आप लोगों ने डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड। अब यहां पर वर्ड आ रहा है राइबो, क्यों, क्योंकि ये राइबोज शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लियक एसिड। तो डीएनए और आरएनए के अंदर यही राइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए और आरएनए के बारे में आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में काफी अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर डीएनए और आरएनए को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं वहां से, कि डीएनए किस तरह से होता है, कहाँ राइबोज शुगर होती है और इनके बीच में लिंकेज क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज कितने, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन परमाणु होते हैं जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात याद रखना कि शरीर को सबसे आसानी से या सबसे फास्ट किस से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है ग्लूकोज से। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो एनर्जी का बेसिक सोर्स है वो है ग्लूकोज, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, और कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेकेराइड का एक टाइप है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा यहां पर आप देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा पाई जाती है शहद में पाई जाती है, ठीक है। तो शहद में ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि शहद में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार का पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, तो वो ग्लूकोज पाया जाता है जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी वजह से जो भारतीय पद्धतियों की जितनी भी जो दवाइयाँ होती है, या हम बोल सकते हैं जड़ी बूटियाँ होती है, या आयुर्वेद की दवाइयाँ होती है, उनको मुख्यतः शहद में मिलाकर व्यक्ति को, रोगी को खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है।
और याद रखिएगा जो शहद होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये फूलों के रस में पाया जाता है, तो फूलों के रस में बहुत अधिक मात्रा में या काफ़ी अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर अब समझने वाली है कि फूलों के रस में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज टाइप का पाया जाता है। क्लियर। अब इसी वजह से क्या होता है कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया जिसका नाम है हमिंग बर्ड, अब दुनिया की जो सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, वो हमिंग बर्ड क्या होती है, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है जो जिसका दिल जो होता है वो 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट में करीब 2000 बार धड़कता है। तो बहुत ज़्यादा उसका शरीर धड़कता है, उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने अपने पंखों को फड़फड़ाते रहने के लिए। तो इसलिए वो क्या होता है, जीवन भर फूलों का रस चूसती है, किस वजह से, इस ग्लूकोज की प्राप्ति के लिए। चलिए आगे अब देखते हैं फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। फलों की मिठास इसी शर्करा की वजह से होती है, यानी फल जब आप खाते हैं और जो भी मीठा आपको मीठापन फलों की वजह से लगता है वो फ्रुक्टोज शुगर की वजह से होता है। और ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे मीठी मोनोसेकेराइड या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो वो फ्रुक्टोज होता है। और फलों की मिठास का कारण यही फ्रुक्टोज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी फलों का मीठापन आप लोग देख पाते हैं वो इसी फ्रुक्टोज की वजह से। चलिए अब गैलेक्टोज को देखते हैं। तो इसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ये ग्लूकोज की तरह ही होती है, ठीक है। अंगूरों की मिठास का कारण यही गैलेक्टोज होता है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि अंगूर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज पाया जाता है। आई होप ये सभी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं किसके, ऑलिगोसेकेराइड को। अब ऑलिगोसेकेराइड को अगर हम देखेंगे तो इसका जो निर्माण होता है, निर्माण में 2 से 9 मोनोसेकेराइड इकाइयों के संघनन द्वारा होता है। अब मोनोसेकेराइड को मैंने बताया था कि मोनोसेकेराइड सबसे सरल है, या हम इसे ही शर्करा भी कह सकते हैं, यानी ऑलिगोसेकेराइड के लिए 2 से 9 शर्करा के इकाइयों का संघनन होता है। मोनोसेकेराइड के संघनन से जल के एक अणु का विलोपन होता है। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा कि जब क्या होता है कि 2 मोनोसेकेराइड, ठीक है, 2 मोनोसेकेराइड या 2 सरल अणु जब हम बोल सकते हैं कि सरल शर्करा के दो मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं, तो यहां से क्या होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, विलोपित हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम देख लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ खास खास जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब सुक्रोज को देखते हैं, तो ये घरों में उपयोग होने वाली शर्करा होती है जिसे गन्ने से प्राप्त किया जाता है, जिसे शुगर केन भी कहा जाता है। तो घर में जो हम चाय बनाते टाइम जो शक्कर डालते हैं ना, वो शक्कर जो होती है वो यही सुक्रोज होती है, वो ओलिगोसेकेराइड का एक टाइप होता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये शकर क्यूब शकर, ठीक है। अब ये आप लोगों को स्पेशल याद रखना है कि जो शर्करा का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 2 सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है, वो कौन से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक एक सिंपल मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है, ऐड होता है, तो जिससे वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, और जिसकी वजह से इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्लियर। तो ये बात आप लोगों को स्पेशल याद रखना है कि सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की वजह से बनता है। अब लैक्टोज की बात करते हैं, तो लैक्टोज ये मुख्यतः किसमें पाई जाती है, तो दूध के अंदर के, जो आपने कच्चा दूध कभी पिया हो उसकी जो मिठास का अनुभूति होती है वो इस लैक्टोज की वजह से होती है, ठीक है। अब लैक्टोज के अंदर जो मॉलिक्यूल, जो सिंपल शुगर होती है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की वजह से होती है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होते हैं और लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे देखते हैं माल्टोज, इसे माल्ट चीनी भी कहा जाता है, जो इसकी प्रचुरता अंकुरित अनाज में पाई जाती है। तो माल्ट चीनी, ये अगर आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए आपके शरीर में, तो आपको अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा, तो अंकुरित अनाज में ये मुख्यतः पाई जाती है। अब माल्टोज जो होती है उसके अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज के, यानी 2 ग्लूकोज के सिंपल या 2 ग्लूकोज के शुगर जब आपस में कंबाइन होती है तब माल्टोज बनता है, एक माल्टोज की अणु बनता है, ठीक है। आई होप सो ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो ये हमने देखा ओलिगोसेकेराइड के बारे में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ले लिया होगा आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। अब हम आगे देखते हैं, ऑलिगोसेकेराइड के बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? पॉली का मतलब यहां पर है बहुत सारे, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी बहुत सारे। सेकेराइड का मतलब है शर्करा, तो बहुत सारे शर्करा के मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं एक के अंदर, ठीक है। तो आप लोग अब इसको देख सकते हैं, यहां पर समझ सकते हैं चीजों को। अब ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट तथा 10 से अधिक मोनोसेकेराइड की इकाइयों के संघनन से ये बनते हैं, ठीक है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं हैं। और पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे स्टार्च, तो स्टार्च का नाम काफी आप लोगों ने सुना होगा। ये सबसे ज्यादा पेड़ों के अंदर या वनस्पति जगत में पाया जाने वाला सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट या सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च ही होता है। तो यह पौधों का संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भोजे जो पेड़ पौधे अपने शरीर के अंदर या अपने अपने शरीर की संरचना जो बनती है वो इन्हीं स्टार्च की वजह से होती है। सबसे अधिक मात्रा में जो पेड़ पौधे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं या भोजन को संचित करके रखते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में होता है, तकरीबन 70% जो स्टार्च होता है वो चावल में होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, याद ये बात भी आप लोगों को याद रखिएगा कि वनस्पति जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, तो वो है स्टार्च। आगे देख लेते हैं हम ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन, अब इसे जंतु मंड या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, यानी जंतुओं के शरीर के अंदर जो हम बोल सकते हैं जो ऊर्जा एकत्रित होती है, जो ऊर्जा भरी हुई उनके शरीर के अंदर रहती है, वो इसी ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल है। इसे जंतुमंड या एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। यह जंतुओं एवं कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, यानी हमारे शरीर के अंदर या हम जब भी कोई क्या करते हैं कि कोई मांस का टुकड़ा खाते हैं, तो मांस का जब टुकड़ा खाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इसी ग्लाइकोजन यानी इसी पॉलीसेक्राइड के रूप में संचित होती है उसके अंदर। यह मुख्यतः यकृत व पेशियों मांसपेशियों में पाया जाता है। यह ग्लूकोज का बहुलक है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर इस ग्लाइकोजन को बनाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेल्युलोज की। तो सेल्युलोज ध्यान से देखिएगा कि यह अघुलनशील होती है। सीधी सी बात है, जितने भी पॉलीसेक्राइड है वो सारे के सारे जल में अघुलनशील होते हैं तथा सभी पादप कोशिकाओं की भित्तियों में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की भित्ति का मतलब, जैसे मैंने आप लोगों को सेल जब पढ़ाया था, तो पादप कोशिकाओं की ये जो ऊपर की ये जो भित्ति होती है, ये हार्ट कवरिंग जो होती है, वो हार्ट कवरिंग जो होती है वो इसी सेल्युलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला आशाखित पॉलीसेकेराइड है, ये भी बात याद रखना है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पूरे वनस्पति जगत में या पूरे पूरी पूरी पृथ्वी पर अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा सेल्युलोज ही पाया जाता है, जो ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से बना होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कपास, बांस, जूट आदि सभी सेल्युलोज के मुख्य स्रोत। और आप लोगों को एक और बात याद रखना है कि इसी सेल्युलोज की हेल्प से ही क्या कहा जाता है, तो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से इसी सेल्युलोज को प्राप्त किया जाता है। और ये सेल्युलोज के जो फाइबर होते हैं, इन फाइबर को इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। या फिर आप जो कपड़े देखते हो वो कपड़े भी इन्हीं सेल्युलोज का पार्ट होता है, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये सेल्युलोज को अगर कोई मनुष्य खाता है तो सेल्युलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, तो ये वाला कार्बोहाइड्रेट मनुष्य का शरीर पचा नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आप लोगों को ये कार्बोहाइड्रेट की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने विशेषकर किसको देखा, कार्बोहाइड्रेट को देखा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखे, सारी चीजों को हमने काफी अच्छी तरीके से स्टडी किया। अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम क्वेश्चन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो हमारे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया जाए वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।